السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أما بعد। आज हम लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ कर रहे हैं सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 6 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हम पहले ये लेक्चर पढ़ चुके हैं। या भी हरूफ निदा, हरफ निदा है, और अय्युहा भी पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। या का मतलब ये होता है ए, अरे, ओए, अबे, जैसे हम पढ़ चुके हैं, और अय्युहा भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये फ़िक्रे पर ज़ोर देने के लिए इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, ये हम पढ़ चुके हैं कि वाव अलिफ जो है वो जमा की अलामत है और ईमान वालों की जमा, वो सब लोग जो ईमान लाए, ए वो सब लोगों जो ईमान लाए हो, या इसे हम ए अहले ईमान भी कह सकते हैं। इन जाकुम, इन का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि अगर इन होगा तो वो अगर होगा, इनका मतलब अगर अन होगा तो उसका मतलब हम क्या करते हैं कि, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा कि ये इन्ना वो अलग है जिस पर शद होता है, ये जो है सकून होगा यहाँ पर नून के ऊपर। तो इन हो या अन हो, इन का मतलब अगर होता है और अन का मतलब के होता है। जाअकुम, इसका एक बेहतरीन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने का। ये जो जाअ है इसको आप उल्टा करके पढ़ें, ये क्या बनता है, आ जा, यही इसका मतलब है। याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये एक ट्रिक है अरबी के अंदर कि आ जा, मतलब के आने को क्या कहते हैं, आ जाने को क्या कहते हैं, जाअ अरबी के अंदर, जाअ आ जाए, कुम तुम्हारे पास, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फासिक, फासिक किसको कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है, हम उर्दू में ही बोलते हैं इसको, फासिक फाजर हो, बदकार हो, नाफरमान हो, तो उस शख्स को फासिक कहा जाता है, झूठे शख्स को फासिक कहा जाता है। तो ये उर्दू के अंदर मुस्तामिल वर्ड है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ए अहले ईमान, अगर आ जाए तुम्हारे पास कोई फासिक, फासिकुन, ये जो दो पेश हैं ये कोई के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो ज़बर हों दो पेश हों, ये कोई के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम इसका मतलब कोई भी करते हैं। ये आप देख लें कि स्लाइड्स हैं इसकी। बेनबाइन, ये नबी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, नबी हैं फलां हमारे नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। नबी का मतलब क्या होता है, नबी नबा से निकला हुआ लफ्ज़ है, नबी नबा कहते हैं ख़बर को, तो यहाँ पर भी वही ख़बर के मानों में इस्तेमाल हुआ है। नबी क्या करते हैं, ख़बरें देते हैं, वही की ख़बरें देते हैं, तो इसलिए उनको नबी कहा जाता है। ये उर्दू का लफ्ज़ है, नबा हम ख़बर को कहते हैं। बेनबाइन, आपको याद होगा हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था कि बा जो है साथ के लिए इस्तेमाल होता है, के साथ के लिए, जैसे हमने पढ़ा था कि बा जमात, उर्दू के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, बा जमात हो, बा आवाज़ बुलंद हो, बमा अहलो अयाल, इसका क्या मतलब है कि बुलंद आवाज़ के साथ, जमात के साथ, यानी के साथ के मानों में। बेनबाइन, साथ ख़बर के, यानी ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे पास आए कोई फासिक ख़बर लेकर या ख़बर के साथ, कैसी खबर, बे नबाइन, कोई ख़बर लेकर, फतबैयनू, फतबैयनू, ये जो बैयन कहते हैं दलील को, आपको मालूम होगा कि आप, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि ये बात बैयना है, जैसे कुरान का भी एक नाम है बैयना, वाज़े, नुमाया जिसे हम कहते हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, फा तबैयनु, फा मानी पस, और सुम्मा का मानी भी पस या फिर होता है, लेकिन फा का मतलब
इसलिए फा जो है और सुम्मा में फर्क ये है कि फा जहां पर आ जाए तो फौरन अमल करना है, वहां पर फा फौरन के इस्तेमाल होता है, और सुम्मा जो है उसमें टाइम का गैप होता है, लेकिन फा के अंदर टाइम का गैप नहीं दिया जाता। अल्लाह कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे पास खबर आए तुमने कोई भी कदम उठाने से पहले क्या करना है, तहकीक करना है। और अगर हम ऐसा शुरू कर दें अपने माशरे के अंदर तो बहुत सारे मामलात हमारे हल हो जाने हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, फा मानी पस, तबयनु ता किस लिए इस्तेमाल होता है, तुम के लिए सामने वाले को मुखातिब करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। और बयन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बयन कहते हैं कि दलील को, वाज़े चीज़ को, नुमाया चीज़ को बयना कहते हैं, निशानियों को। वाउल जमा की अलामत है। तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला फरमाए, पस तुम, ता तुम के लिए, फा का मतलब पस हो गया, बयन पस तुम वाज़े करो, पस तुम नुमाया करो, वाउल जमा की अलामत है, यानी तुम सब क्या करो, तहकीक करो। ये सब मोमिनों को कहा जा रहा है, अल्लाह वाज़े करो या तहकीक करो या उसके ऊपर आपने छानबीन करनी है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, इसका यही मतलब है, या वजाहत भी कहते हैं इसको। फतबयनु पस तुम सब वजाहत करो, तहकीक करो, नुमाया करो, गैर मुश्तबा करो, यानी शक में ना पड़ो, और उसको उसको वाज़े करो या तहकीक करो। अन, ये हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, अन हो तो इसका मतलब के होता है, अगर इन हो तो इसका मतलब अगर होता है। और तुसीबू ता किस लिए इस्तेमाल होता है, तुम के लिए इस्तेमाल होता है, ता तुम मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं इस बात को। और ये सीब जो है, ये उर्दू में हम वर्ड बोलते हैं मुसीबत, असाब युसीब मुसीबा, तो ये वहाँ से निकला हुआ लफ्ज़ है। तुसीबो वाउलिफ जो है ये जमा की अलामत है, और ये तुसीबो कि तुम मुसीबत में डालो, तुम मुसीबत में मुबतला करो, यानी तुम सब मुसीबत में मुबतला करो। क्यों? गलत खबर की वजह से, उसकी तहकीक ना करने की वजह से। अन तुसीबो कौमम, कौम कौम कहते हैं किसी कौम को, कौमन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पीछे क्या वर्ड था, फासिकुन, वहाँ पर दो पेश लगे हुए होते हैं, तो हमने कहा क्या कहा था, उसका मतलब कोई होता है, तो यहाँ पर भी कौमन है, मैंने आपको बताया था वहाँ दो पेश लगे हुए थे, यहाँ पर दो ज़बर लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, किसी कौम, यानी इसको हम नकरा कर देते हैं, इसको दो पेश या दो ज़बर की वजह से या दो ज़ेर की वजह से, जब तनवीन आ जाती है तो वो ख़ास की बजाय आम हो जाता है। तो कौमन किसी कौम, ये उर्दू के अंदर लफ्ज़ है। बेजहाला साथ जहालत के, अब इसको हम जब मुहावरे के तर्जमे में इस्तेमाल करेंगे तो जहालत के सबब, जहालत की वजह से, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहालत के सबब आप कौम को, जहालत कौन सी कि आपने तहकीक नहीं की, तो अगर तहकीक ना करना जहालत है। फतुसब्बिहु, फतुसब्बिहु फा मानी पस, पढ़ चुके हैं हम, ता का मतलब तुम, मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है। और सब्बिहु, ये देखें सुबह, ये वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और वाउल जमा की अलामत है। सुबह क्या होता है, सुबह के अंदर रोशनी फैल जाती है, सुबह के अंदर अंधेरे से जो है आपको उजाला हो जाता है, आपको जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सुबह यानी हो, जब हो जाती है तो फिर हमें रोशनी नज़र आती है। यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें रोशनी हो जाए या जब तुम हो जाओ, फतुसब्बिहु तो पस तुम हो जाओ, यानी जब तुम्हारे सामने हक बात खुल जाए तो तुम हो जाओ क्या, मा अला पर, मा जो कुछ, अला मा फ़अल तुम, ये तो एग्जांपल्स दी गई हैं, मा फ़अल तुम जो कुछ तुमने किया, जब तुम्हारे यानी तुम अंधेरे में थे, पहले तुमने तहकीक नहीं की हुई थी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे जहन में सुबह हुई, ये वही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि तुम्हारे जहन में जब सुबह होती है तो अंधेरा
जो है वो छट जाता है और रोशनी आ जाती है। तो उसके बाद जो है चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। तो वाज़े जब हो जाए तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हो ना जाओ कहीं अल्लाह पर मा जो कुछ फ़ाल तुमने किया। फ़ाल मनी ये फ़ाला का वज़न है जो फ़ेल मनी काम करते हैं। तुम सब जो कुछ तुम करते हो। नादिमीन नादिम भी उर्दू का लफ्ज़ है। ये जो या नून है ये जमा की अलामत है। शर्मिंदा भी कहते हैं, नादिम कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है। बिमा फ़ाल तुम नादिमीन, जो कुछ तुमने किया यानी तहकीक नहीं किया। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोग सब लोगों जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम, अगर इन मनी अगर जाअ आ जाए कुम तुम्हारे पास, फासिकुन फासिक कोई फासिक, बेनबैन साथ खबर के, फतबैयनू पस तुम ता तुम के लिए बैयन वाज़े करो, तहकीक करो, वाव अलिफ जमा की अलामत है, तो तहकीक करो, अन के तुसीबू तुम मुसीबत में डालो, तुम सब मुसीबत में डालो, कौमन किसी कौम को, बेजहालतन जहालत के सबब, फतुसब्बिहू पस तुम्हें जब शऊर आ जाए, पस तुम्हारी जब सुबह हो, पस तुम हो जाओ, अलामा अलामनी पर, मा मनी जो कुछ, फ़ाल तुमने किया, नादिमी नादिम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है हमारे लिए कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए कोई फासिक तो तुम क्या करो, उस खबर की तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है तहकीक ना करने की वजह से जहालत में पड़ जाओ और किसी कौम को मुसीबत में डाल दो, और फिर मुसीबत में डालने के बाद तुमने जो कुछ किया है उस पर तुम्हें पशेमा होना पड़े, नादिम होना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। तो यहाँ पर उर्दू के वर्ड जो हैं या अय्युहल्लज़ीन, ये वही अल्फाज हैं जो हम रोज़ाना दोहराते हैं। आमनू ये लफ्ज़ भी उर्दू का है। इन जो है ये भी हम रोज़ाना दोहराते हैं, इन अन और इन्ना अन्ना। तो जा ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, आ जा। और उसके बाद फासिक भी उर्दू का लफ्ज़ है, बे भी उर्दू का लफ्ज़ है, नबा भी उर्दू का लफ्ज़ है ख़बर, तो बैन भी उर्दू का लफ्ज़ है। उसके बाद मुसीबत भी उर्दू का लफ्ज़ है, कौम भी उर्दू का लफ्ज़ है, साथ भी उर्दू का लफ्ज़ है यानी बा, जहालत भी उर्दू का लफ्ज़ है, और सुबह भी उर्दू का लफ्ज़ है, अला भी उर्दू का लफ्ज़ है, और फ़ाल तुम फेल भी कौम जो हम कहते हैं वो भी उर्दू का लफ्ज़ है, नादिम भी उर्दू का लफ्ज़ है। तो ये देखें हमने जो है अरेबिक पढ़ना स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी उर्दू निकल आई है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।